नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस आदेश पर लगाई रोक, अब पशुपालकों के दरवाजे पर ही पशुओं का होगा इलाज। बिहार में गहरा रहा जल संकट, तेजी से घट रहा पीने का पानी, इस वजह से NH के मामले में पिछड़ा बिहार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नाम दर्ज हुए अब तक के सबसे खराब रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस आदेश पर लगाई रोक। अभी हाल में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 10वीं पास बच्चों का 11वीं में एडमिशन उसी स्कूल में होगा जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी है, लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के इस आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को 6 सप्ताह में अपने अपने जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि निधि कुमारी समेत कई लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वो छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर 11वीं क्लास में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करे और छात्रों को उसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य ना करे जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर IPRD बिहार ने लोगों को दिया ये संदेश। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। कई बार लोग खाद्य की महत्ता को नहीं समझते और इसे बर्बाद करते हैं, लेकिन हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। IPRD बिहार ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस संबंध में पोस्ट शेयर किए हैं, जहां लोगों को संदेश देते हुए कहा गया है कि आइए हम सब मिलकर खाद्य की महत्ता को समझते हैं, उसकी बर्बादी को रोकने के प्रति दृढ़ संकल्पित हों। बिहार में गहरा रहा जल संकट, तेजी से घट रहा पीने का पानी। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवेज सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बिहार के अधिकतर हिस्से, खासकर राज्य के दक्षिणी जिलों को 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटना सहित प्रदेश के कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। वहीं भूजल में कमी आने के कारण पीने योग्य पानी की भी कमी हो रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सह महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के शोध प्रमुख डॉक्टर अशोक घोष ने कहा है कि हाली अध्ययनों के अनुसार बिहार में 2030 तक जल संकट की संभावना है। मगध विश्वविद्यालय PG ओल्ड सेशन के फेल या परीक्षा से वंचित रह गए बच्चों के लिए अंतिम मौका। मगध विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल वैसे बच्चे जो सत्र 2021-24 स्नातक तृतीय खंड और सत्र 2018-20 ओल्ड सेशन स्नातकोत्तर के 4 सेमेस्टर में फेल हो गए थे या परीक्षा से वंचित रह गए थे, वे एक बार फिर से परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा कर सकते हैं। 2018-20 स्नातकोत्तर 4 सेमेस्टर के बच्चों को प्रपत्र 13 जून तक जमा करना होगा। वहीं बच्चे शुल्क विभाग या महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के मुताबिक जमा करेंगे। मालूम हो कि इस सेशन 2018-20 के बच्चों के लिए अंतिम मौका होगा। इसके अलावा 2021-24 के स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा के लिए 21 जून तक परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा करना होगा। इस वजह से NH के मामले में पिछड़ा बिहार। नेशनल हाईवे के मामले में बिहार इतना पीछे क्यों है, इस पर जानकारी सामने आई है। दरअसल पता चला है कि बिहार में NH मद में मिलने वाली राशि सही समय पर खर्च नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बिहार NH मामले में पीछे रह गया। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार को बीते 10 सालों में जितने पैसे NH के लिए मिले हैं, उसमें से अभी तक 1,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। बिहार में NH निर्माण के लिए वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं में 666.67 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसमें से महज 560.73 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। ये आंकड़े केवल 2014-15 के थे। सबसे आगे के वर्षों का अनुपात भी कुछ ऐसा ही है, जिस वजह से 10 वर्षों में बिहार में NH निर्माण के लिए मिली राशि में अब भी 1,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश के कुल NH में बिहार की महज 4.04% ही भागीदारी है। अब पशुपालकों के दरवाजे पर ही उनके पशुओं का होगा इलाज। बिहार में पशुपालकों के दरवाजे पर ही जाकर गाय, भैंस और अन्य पशुओं का इलाज अक्टूबर महीने से किया जाएगा। इसके साथ ही हर प्रखंड में एक एक पशु एम्बुलेंट्री वैन की सुविधा भी दी जाएगी, जो मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक के तौर पर काम करेगी। हर एम्बुलेंट्री वैन में एक पशु चिकित्सा सहायक और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट को रखा जाएगा। ये काम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत होगा। सभी प्रखंडों के लिए संविदा पर कुल 534 चिकित्सक रखे जाएंगे, जिनका मानदेय 65,000 रुपये होगा।
मोतिहारी के स्कूलों में चुनाव के दौरान लाखों रुपए की हेर फेर का मामला आया सामने। लोकसभा चुनाव के दौरान मोतिहारी में शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल जिन भी स्कूल में मतदान होने वाले थे वहां सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए राशि आवंटित की गई थी, लेकिन JESSA और विंडर संवेदक ने स्कूल में आधा अधूरा ही काम किया और इन कामों का निपटारा कागज पर ही कर लिया गया। आपको बता दें कि अरेराज प्रखंड के 65 स्कूलों में 65 मतदान केंद्र को सभी सुविधाओं से लैस करने की बात कही गई थी और इसके लिए 65 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन अधिकतर मतदान केंद्रों पर काम कागज पर ही निपटा लिए गए। कथित तौर पर HM को DEO DPO से कार्रवाई की धमकी दी गई और इस धमकी के दम पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। जांच के दौरान पता चला कि कई विद्यालयों में ना तो टंकी लगाए गए हैं, ना ही प्लम्बर का काम हुआ है और ना ही वायरिंग का काम हुआ है। वायरिंग के नाम पर केवल तार दीवार पर ठोक दिए गए हैं। HM द्वारा बताया गया कि कार्य के दौरान कभी JEE नहीं आए, ना ही कोई एस्टिमेट दिखाया गया। रंग दे बसंती के भव्य प्रीमियर में पहुंचे खेसारी लाल यादव ने मिसा भारती को दी बधाई। आज बिहार और यूपी के कई सिनेमाघरों में रंग दे बसंती फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज होने से पहले पटना सिटी सेंटर स्थित PVR आईनॉक्स में इसके भव्य प्रीमियर का आयोजन देखने को मिला। इस दौरान फिल्म के निर्माता रोशन सिंह, निर्देशक प्रेमांशु सिंह, खेसारी लाल यादव, हिटलर दीदी फेम रति पांडे, बॉलीवुड अभिनेत्री डायना खान, निर्देशक लाल बाबू पंडित, समर्थ चतुर्वेदी, सोनू पांडे और PRO रंजन सिन्हा और कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर खेसारी लाल यादव ने राजनीति से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने मिसा भारती को अपनी बहन कहा और पाटलिपुत्र सीट से जीतने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अब प्रदेश से शुरू होंगे पोस्टिंग ट्रांसफर, विभाग में फेरबदल समेत विकास के अन्य कार्य। चुनावी त्यौहार खत्म होने के बाद अब आचार संहिता खत्म हो चुके हैं। आचार संहिता खत्म होते ही बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही विभाग में भी फेरबदल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार अब प्रदेश में विकास के कार्यों को भी करा सकेगी। आचार संहिता के समय ऐसे कई कामों पर पाबंदी रहती है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा आचार संहिता समाप्त होने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। SBI मुकामा शाखा से मैच 8 दिन में 2,42,402 बार लेन देन का मामला आया सामने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकामा शाखा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल SBI के मुकामा शाखा से मात्र 8 दिन में 4,41,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। इसकी जानकारी खुद खाता धारक को भी नहीं थी। जब शाखा प्रबंधक उसके घर उसका खाता फ्रीज किए जाने की जानकारी देने पहुंचे तब उसे इसके बारे में पता चला। इस मामले में खाता धारक ने खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही बैंक के क्लर्क रणधीर कुमार पर उसने उनके खाते का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुकामा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया है कि आरोपित से पूछताछ की जाएगी, तब मामला स्पष्ट होगा। उन्होंने बताया कि मामला चौंकाने वाला है, ये साइबर फ्रॉड का भी मामला हो सकता है। लखीसराय के क्यूल जंक्शन पर खरी पटना झाझर ट्रेन में लगी आग। गुरुवार की देर शाम लखीसराय के क्यूल जंक्शन पर डाउन लाइन पर खरी पटना झाझर ट्रेन में आग लग गई। ये आग ट्रेन के बीचों बीच बोगी में लगी थी। आग लगने के बाद किसी तरह ट्रेन की बोगी में मौजूद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान स्टेशन पर हर तरफ रफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सफल नहीं। मिली जानकारी के मुताबिक चक्के के पास से धुआं निकलने के बाद आग लगने की बात सामने आई है। इस घटना में अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। रेल कर्मियों को क्वार्टर की रिपेयरिंग के लिए नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर। रेल कर्मियों को अपने क्वार्टर की रिपेयरिंग के लिए विभाग के चक्कर लगाने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल रेल मंत्रालय ने रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम ऐप डेवलप किया है ताकि रेलवे कर्मचारियों को परेशान ना होना पड़े। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय ने अभी डिवीजनों को इस संबंध में पत्र भेजा है। मालदा डिवीजन के सीनियर DEN ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही बोर्ड से ये लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि रेल कर्मी अब ऐप के माध्यम से क्वार्टर की रिपेयरिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही सुझाव भी ले सकते हैं। जदयू में संसदीय दल के नेता होंगे CM नीतीश, मंत्री पदों पर BJP से कर सकते हैं ये मांग। देश में तीसरी बार NDA की सरकार बनने जा रही है। देश में सरकार बनाने में जदयू का भी महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। सरकार में जदयू की भागीदारी और हिस्सेदारी समेत कई फैसले लेने के लिए पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है।
आपको बता दें कि बिहार में जदयू ने 12 सीटें जीती हैं। आज सुबह नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस दौरान बैठक में सभी ने नीतीश कुमार को संसदीय दल का नेता चुना, साथ ही अन्य फैसले करने का अधिकार भी सौंपा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जदयू ने सरकार से भी कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। हालांकि फॉर्मूला 4 सांसद पर 1 मंत्री का है। ऐसे में जदयू के 12 सांसद हैं और तो 12 सांसद के हिसाब से 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री या 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। सरकार गठन से पहले जदयू के बाद अब चिराग पासवान ने अग्निवीर स्कीम पर कही ये बात। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर से अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब सरकार के गठन और पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के अंदर अग्निवीर स्कीम पर समीक्षा करने की मांग तेज होती जा रही है और अब लोजपा रामविलास ने भी इस स्कीम को लेकर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा है कि अगर ये योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी रहे, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो इस पर सरकार विचार करे। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि अभी इसका उचित समय नहीं है, सरकार गठन के बाद इस पर बात हो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नाम दर्ज हुए अब तक के सबसे खराब रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप सुपर ओवर में अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आपको बता दें कि T20 कप की मेजबानी कर रहे US की लगातार ये दूसरी बार जीत है। इस मैच में पाकिस्तान की हार तो हुई है, इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ अब तक के सबसे खराब रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। पाकिस्तान अब वो पहली टीम बन चुकी है जिसने T20 वर्ल्ड कप में 2 बार सुपर ओवर में मैच गंवाए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे, वहीं इसके जवाब में USA ने 3 विकेट खोकर स्कोर बराबर कर दिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, विनोद महात्मा, सुधीर कुमार पटेल, राजकिशोर महतो, ओम प्रकाश कुमार, शुभम शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र कुमार यादव, संजीव कुमार, उत्तम कुमार दास, सादुल्ला पालवी, नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।